बालको ने वार्षिक ग्रामीण जनप्रतिनिधि मिलन समारोह आयोजित किया। बालको लर्निंग सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने बालकों के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की दिल खोलकर सराहना की। समारोह में 12 गांवों के सरपंचों, उप सरपंचों, सचिवों और जनपद सदस्यों ने भागीदारी की। कार्यक्रम में बालको के मानव संसाधन प्रमुख श्री मेजर कुमुद कुमार और सामुदायिक संबंध प्रमुख श्री बी के श्रीवास्तव मौजूद थे। बालकों के सामुदायिक सह महाप्रबंधक श्री आशीष रंजन ने जनप्रतिनिधियों को वेदांत स्कूल का अवलोकन कराया। जनप्रतिनिधियों को विभिन्न प्रशिक्षण शाखाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। वीडियो फिल्म के माध्यम से बालकों के विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में संचालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से जनप्रतिनिधियों को परिचित कराया गया। हमने आसपास के लाभों के लिए पिछले 50 सालों से बहुत परिश्रम सम्मेलन के दौरान श्री कुमुद कुमार ने अपने उद्बोधन में बताया कि वेदांत समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल अपनी परियोजना प्रचालन क्षेत्रों के नागरिकों की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए सामुदायिक विकास कार्यों को भरपूर प्रोत्साहन देते हैं। आप सब लोग तो काफी सालों से देख रहे हैं यहाँ पे कि वेदांता किस तरीके से जो हमारी CSR एक्टिविटीज है उसमें बहुत ही एक अहम भूमिका निभा रहा है। और ये सिर्फ बालकों का नहीं, ये अगर मैं बात करूँ अपने जो हमारा जो वेदांता ग्रुप है उसकी, तो वेदांता ग्रुप हमारी जो एक सबसे एक अहम पॉलिसी है वो है CSR के बारे में, यानी कि हमारे जो समुदाय के जो लोग हैं, आसपास के विलेज के जो लोग हैं, जो भागीदार हैं हमारे तरक्की में, हमारे दुख में, हमारे सुख में, उनको साथ लेके चल। अगर कंपनी तरक्की कर रही है तो ये भी ज़रूरी है कि आप लोग भी तरक्की करें, आसपास के गांव तरक्की करें, बच्चे तरक्की करें और सारी सुविधाएं वहां पे ऐसी हम लोग मुहैया करा सकें जिनसे आप लोगों की उन्नति हो सके। तो ये वेदांता ग्रुप का शुरू से ही एक सिद्धांत रहा है जिसको चेयरमैन साहब डायरेक्टली फॉलो करते हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं माननीय अनिल अग्रवाल जी, वो डायरेक्टली श्रीवास्तव साहब और उनकी टीम के साथ, आई थिंक मंथली आप लोग रिव्यू होता है, ज़्यादा प्रतिदिन हर महीने रिव्यू होता है कि क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या एक्शन हो रहे हैं। तो आप देखिए फोकस जो है, जो एक इस चीज़ को जो प्रमोट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, उनके लेवल से किया जाता है। श्री बी के श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में बालको संचालित ममता परियोजना, वेदांत स्किल स्कूल, वाटर सेट परियोजना, कृषि प्रोत्साहन हेतु किसानों को आधुनिक खेती के प्रशिक्षण, जलगाम परियोजना, चाइल्ड केयर सेंटर आदि अनेक परियोजनाओं और उनके फायदों से अवगत कराया। इनके गांव में रोजगार के जो भी काम हैं, जैसे कि खेतों में कैसे उपज बढ़ाई जाए, कैसे पानी का प्रबंधन ज्यादा अच्छा किया जाए, पानी मिले, चुईया गाँव में हॉस्पिटल खोला हम लोगों ने जहाँ पर कि हर दिन डॉक्टर बैठते हैं और वहाँ पर लगभग 25-30 लोग जाते हैं जिनको इलाज की जरूरत होती है। किस तरीके से जाम बाहर में ही एक बाल बच्चों के लिए हमने बाल निकेतन खोला हुआ है जहाँ जो महिलाएं हमारे यहाँ काम करने आती हैं उनके बच्चे हम लोग वहाँ संभालते हैं। किस तरीके से गांव के बच्चे हमारे यहाँ बगल में स्किल स्कूल है वहाँ आते हैं और वहाँ पर सीख पढ़ के ट्रेनिंग लेके 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 तक की नौकरियां करते हैं और उनसे हम लोग जाके मिले भी हैं कई जगह रायपुर में और दूसरी जगह पर। किस तरीके से ये बच्चे पूरे परिवार का सहारा बन जाते हैं। बेला कछार के पंच श्री अनिल देशमुख ने जनप्रतिनिधि मिलन समारोह की प्रशंसा करते हुए बताया कि उन्हें बालको संचालित वेदांत स्कूल का अवलोकन कर बेहद प्रसन्नता हुई। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र के जरूरतमंद युवाओं को वेदांत स्किल स्कूल में प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करें। बालकों के श्रीवास्तव से अधिक मेजर साहब, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा अवसर दिया हमको यहाँ पर बुलाकर। और जैसा कि हमको अभी यहाँ पे जो प्रशिक्षण चल रहा है बच्चों का, सभी जगह वहाँ पे बुलाकर दिखाया गया कि क्या क्या प्रशिक्षण बालकों कैसा दे रहा है। तो जैसा कि वहाँ पर
साहब ने हमको बताया कि एक चीज बहुत हमको खलती है कि बालकों के आसपास के ग्रामीण एरिया के जो बच्चे वो उसमें भाग नहीं ले पाते, तो वो वाकई में एक प्रकार की हम ग्रामीण जनताओं की एक कमी है जिसको हमको पूरा करना है। तो जितने भी प्रतिनिधियां बैठे हैं मैं सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि अपने ग्रामीण एरिया से बच्चों को निकाल कर इस एरिया में भेजे और यहाँ शिक्षा प्रदान करो। जैसा कि सीआरएस एक योजना है यहाँ जो बालकों हर ग्रामीण एरिया में काम करती है, नल जल योजना हो गया आपका, तालाब का हो गया, डबरी का हो गया, स्टाफ डैम का हो गया। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं ये दूसरा पंचवर्षीय है प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ ग्राम पंचायत धुंधरों का और बेला के साथ का वार्ड पंच हूँ। 600 मीटर सीसी रोड हमारे बेला कछार में बालकों की तरफ से बनाया गया। दूसरा कार्य ग्राम पंचायत धुंधरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। आज जो 3 स्टाफ डेक बन रहे हैं हमारे यहाँ, जिससे हमको हमारे गांव वालों को फसल लगाने में, खेती करने में उस स्टाफ डेक का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो मैं तहे दिल से बालकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी बदौलत आज हमको वहां पे एक स्टाफ डेक मिल रहा है जिसकी बदौलत हम अच्छी फसल ले सकते, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ग्राम पंचायत धुंधरों के सरपंच श्री बंधन सिंह कंवर, सचिव श्री मुखी सिंह, भटगांव के पूर्व जनपद प्रतिनिधि श्री विजय कुमार राठिया और वाटरसेट समिति के अध्यक्ष श्री बजरंग सिंह राठिया ने बालकों के सामुदायिक विकास कार्यों की प्रशंसा की। बालकों ने आज तक जितने भी काम किए हैं और हमारे जितने काम किए हैं, अगर मैं वाटरसेट की बात करूं तो भटगांव ने बालकों के सहयोग से वाटर सेट का इतना फायदा हुआ है। हम पिछले 7-8 सालों से कुआं की लंबाई करते आ रहे हैं, तो उसमें पानी का लेवल 1 मीटर के आसपास बढ़ गया है पिछले 7-8 सालों के मुकाबले में। इस प्रकार बालकों ने हम ग्रामवासियों के लिए बहुत बहुत कुछ किया है।